गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में जश्न है, क्योंकि दिल्ली में पार्टी ने टिकट का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत 160 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। और अन्य विषयों पे अवगत करने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं, इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं जिनके सीट बदले गए हैं। उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। 160 उम्मीदवारों में 14 महिलाएं हैं, 14 अनुसूचित जाति के और 24 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं। 38 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 38 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई है। टिकट के ऐलान से पहले ही गुजरात के दिग्गजों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को मौका जरूर मिलेगा। हुआ भी वैसा ही। ऐसे कई नेता हैं जो 2017 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो प्रद्युमन सिंह जाडेजा आपदासा से चुनाव लड़ेंगे। कुंवरजी बावड़िया को जसदन से टिकट मिला है, तो जवाहर चावड़ा को मानवदर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हर्षद रिपडिया विसार वदर से उम्मीदवार हैं। भगा बारड तालाला से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अश्विन कोटवाल खेड ब्रह्मा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जीतू चौधरी को पार्टी ने कपराड़ा से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पाटीदारों की किलेबंदी की भी पूरी तैयारी की है। हार्दिक पटेल की चुनावी सियासत में एंट्री हो गई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक को वीरम गाम से टिकट मिला है। राजकोट से कद्दावर पाटीदार नेता और खोडल धाम के अध्यक्ष नरेश पटेल की करीबी रमेश टिलाला को टिकट दिया है। चुनाव से पहले मोरबी ब्रिज हादसा बीजेपी की चुनावी चाल में रोड़ा साबित हो सकता है, लिहाजा पार्टी ने मोरबी से मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटकर उस कांति अमृतिया को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने जान पर खेलकर हादसे में लोगों को बचाया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहला पहुंचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में थे, फिर भी वो तुरंत नहीं पहुंचे, मगर उन्होंने तीनों दलों के जवानों को वहां पर भेज दिया और मदद की। अपने आप में बहुत बड़ी बात, मदद उसके अंदर मिली और उसके वजह से और कोई दूसरी पार्टी के कोई लोग नहीं आए। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। शायद इसीलिए बीजेपी ने कई दिग्गजों और मंत्रियों को भी चलता कर दिया है। पार्टी ने युवाओं पर भरोसा किया है। उसी कवायद में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की जामनगर से उम्मीदवारी भी शामिल है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।